हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम। तो दोस्तों अभी दोस्तों आपका यहाँ पे एसएससी सीजीएल का 12 अप्रैल के यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप देख लो, किस टाइप से आपके क्वेश्चन बने। सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग, फिर जीके क्वेश्चन, फिर और क्वेश्चन देखेंगे। आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ट्रिगोनोमेट्री आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख के जाइएगा क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बने, जिनका भी आगे एग्जाम में वो लोग ध्यान समझ लो पेपर का पैटर्न कैसा आया था। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द आपको चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आगे वाले एग्जाम में ये भी दे सकते कि बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो दोस्तों बताइए कौन सा नहीं बना। सिचुएशन नहीं बना सकते, क्योंकि सिचुएशन में यू है जो इसमें है नहीं कहीं, तो नहीं बना सकते, सीधी बात है। चलो दूसरा नंबर दिया गया, ये सिचुएशन नहीं बना सकते। दूसरे 2 से 5 नंबर तक ये दिया गया आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। बटुआ धन, तो लिफाफा क्या होगा? देखो बटुए के अंदर क्या रखते हैं, धन को रखा जाता है लिफाफे के अंदर, उसी प्रकार लिफाफे के अंदर क्या रखा जाता है? देखो पत्र रखोगे लिफाफे, लिफाफे के अंदर पत्र मिलता है कि नहीं, ठीक है। इस टाइप से प्रश्न था आपका, इस टाइप से क्वेश्चन बना था, लेकिन हमें डिजिट नहीं याद है यही है कि नहीं, लेकिन ऐसा ही लॉजिक और क्वेश्चन आपके बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसमें क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाइएगा। देखो लिखा है 8 से 81 कर दिया गया और 64। देखो सबसे पहली बात तो ऐसे है, 2 का क्यूब किया गया है और ये 3 की पावर 4 किया गया है। अब ये 4 का क्यूब है, तो अब इसका मतलब है 2 से 3 हुआ तो 4 से 5 होगा, पावर भी एक ज़्यादा हो रही, 5 की पावर 4 होगी, मतलब क्या होगा 625। ये राइट ऑप्शन है, जिसका भी सी ऑप्शन था वो राइट ऑप्शन बनेगा। ताश जोकर पुस्तक क्या होगा? ताश की गड्डी में 2 जोकर होते हैं, ठीक है। अब पुस्तक में 2 आवरण भी तो होते हैं, क्या होगा बताइए? आवरण भी होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। ताश में 2 ही जोकर हैं कि नहीं? पर 2 जोकर होते हैं, आप लोग पता होगा, पुस्तक में आवरण होते हैं दोनों तरफ। चलो अगला दिया 1 KFP, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके दोस्तों। 5वें नंबर बताइए क्या होगा? देखो ऐसे कर लो, ए आपका 1 में आता है, एफ 6 में आता है, +5 किया गया। एक्स आपके कितने में आता है? एक्स आपका 24 में आता है, +6 करना है, मतलब 24 2 26 बचा 4। चौथे नंबर में क्या आता है, मतलब बचा आपका क्या? सी बचेगा, तीसरे नंबर पे आना चाहिए, तो सी उसे होना चाहिए स्टार्टिंग, ठीक है। तो कौन सा होगा, देखो फिर से बताते, 1 आपका 1 में आता है, ये आपका 6 में आता है, मतलब +5 किया गया है। अब एक्स आपका कितने में आता है? 24 में आता है, +5 करना है, लेकिन 26 तक आपको क्या आता है? जेड आता है, तो मतलब 24 ये 2 हो गया, बचा 3। अब 3 नंबर पे सी आता है, तो सी से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन पे है, ठीक है। आप लोगों को जैसे कह दिया जाए कि जेड के बाद में क्या आएगा, जेड के बाद में ए लिख लेते हैं, ए को 1 मान लेते हैं, ये सब चीज़ें पता होंगी। अगला देखते हैं, अब यहाँ पे जीके क्वेश्चन मिल पाए जितने भी, तो उनको अब हम करा दे रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है। चलो जीके के क्वेश्चन देख लो, करंट से भी क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, तो आप लोग देख के जाइए। करंट आपके 2019 के भी बन के आ रहे क्वेश्चन, तो आप लोगों को ज़्यादा पुराना भी पढ़ना पड़ेगा, सीधी बता दे रहे हैं 2019 का भी आया है। चलो रीजनिंग आपकी मॉडरेट लेवल कही जा रही है, रीजनिंग बिल्कुल सिंपल आ रही कहा जाए तो, ठीक है, लेकिन टाइम है कि लग जाए वो बात अलग, लेकिन रीजनिंग आपकी सिंपल आ रही है। इंग्लिश आपका मॉडरेट लेवल है, ठीक है। चलो जीके तो आप लोगों को पता है थोड़ी सी हार्ड हो रही जीके, तो करंट अफेयर काफ़ी पूछी आ रही है। चलो देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड देश, कौन से देश ने? न्यूजीलैंड देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया। अगला दिया, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को लू कहते हैं, ठीक है। गर्मियों में चलने वाली तेज हवाओं को लू कहते हैं, या आप लोगों ने पढ़ा होगा। 27 का राइट ऑप्शन बी। अगला दिया गया, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद की विवेकानंद जी के जन्म पर 12 जनवरी 1863 को हुआ था इनका जन्म, और 1902 ईस्वी में मर गए थे, मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद करना, स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। लिखा है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? 29 का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो 29 के यहाँ पर सी ऑप्शन है, जो उबालना राइट ऑप्शन बन जाएगा। लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता? 30 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन, निकोला एडम्स। अगला दिया है, लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगले शिफ्ट में आ सकता है, क्लार्क राइट है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 32 नंबर का डी ऑप्शन, अफ्रीका महाद्वीप है दूसरा सबसे बड़ा विश्व का। अगला दिया, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो ये क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है, सी ऑप्शन 10 वर्ष में। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? 34 का ए ऑप्शन है, एंडोथर्मिक। आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता दें, मेरे इस चैनल पर क्या है कि कोई भी एस एस सी के एग्जाम, जैसे SSC CPU, SSC CGL, SSC SHSL या SSC MTS की तैयारी भी कराई जाएगी,
और आपको यहाँ पे कोई भी शिफ्ट एसएससी की होगी तो आप लोगों को कराते रहेंगे सीजल की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो रक्त समूह जो ओ होता है, वो ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? जो ओ वाला होता है दोस्तों, उसका वो केवल ओ से ले सकता है, ठीक है। अगला दिया गया है, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए थे? 36 नंबर का राइट ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त, यहाँ पर राइट है, ठीक है। ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? 37 का यहाँ पे ए ऑप्शन वर्षा स्त्री में लिखा है। एम्फोट्रिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? 38 नंबर का ए ऑप्शन अम्ल और क्षार दोनों। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? 39 नंबर का राइट ऑप्शन सी पर चरण सिंह, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रेट्स किसे कहते हैं? 40 नंबर राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? डी पार्ट, एशिया महाद्वीप, एशिया होगा, ठीक है। अगला दिया गया, यहाँ पे दिया गया संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आते हैं? ये क्वेश्चन बना था 41 का बी, राज्य सूची में आते हैं दोस्तों, ठीक है। इतने क्वेश्चन मिल पाए दोस्तों। चलो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। इस चैनल पर एसएससी सीजीएल के आपको शिफ्ट कराते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा।